से बहुत परेशान हूँ, अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, मैं बैठा था क्लास में, एक लड़की थी पास में, नाम था उसका सुरेखा, मैंने उसको देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरी बाई आंख चल गई, लड़की उछल गई, दौड़ी सीधी प्रिंसिपल के पास, सारा हाल कह सुनाया, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। मैंने कहा मिस भूल हो गई। बोली क्या ऐसा होता है भूल में, इश्क करते हो प्राइमरी स्कूल में। अंत में निकला यह परिणाम, स्कूल से कट गया मेरा नाम। फिर एक बार इंटरव्यू में खड़ा था मैं क्यू में, लड़की खड़ी थी सामने अड़ी थी। एक बार इंटरव्यू में खड़ा था क्यू में, लड़की खड़ी थी सामने अड़ी थी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, मेरी बाई आंख चल गई, लड़की उछल गई सारे उम्मीदवार भी चौंके। लड़की का पक्ष लेकर भौंके, मारते मारते जूता चप्पल तोड़ दिया मेरा पूरा बदन। वो मारते रहे और मैं दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते घुस गया मैं एक घर में। घर में गृहिणी थी, गृहिणी जी बोली कौन, मैं रह गया मौन। गृहिणी जी बोली बोलते हो कुछ या किसी और को बुलाऊं? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे भाई यार मैडम जी चिट्ठी साक्षात दुर्गा सी दिखी। मचा दिया हंगामा, आ गए पड़ोसी मासी और मामा। चट्टी बन गया मेरा पैजामा, टुकड़े टुकड़े हो गया मेरा कुर्ता, मार मार के बना दिया मेरा भुर्ता। कौन जाने कितनी देर तक सब निकालते रहे मुझ पर अपना रोष। क्योंकि आया जब मुझे होश, तो मैं पड़ा था सरकारी अस्पताल में। जैसे ही अस्पताल में मैंने आंख खोली तो नर्स मुस्कुरा कर बोली, अजी दर्द कहाँ कहाँ है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरी फिर से भाई यहाँ चल गई। नर्स उछल कर बोली, ओ माई गॉड, इतना सीरियस हाल में और इश्क करते हो सरकारी अस्पताल में। इतने में आया वार्ड बॉय देने लगा अपनी राय। बोले भाई साहब, मैडम बहुत सख्त है, आपका केस बिगाड़ देगी। मैं घबराया, रात के अंधेरे में दोनों आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आया। सोचा जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर पहुंचते ही पिताजी बोले, बेटा आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, और अगर नहीं मर सकते हो तो हमसे नाता तोड़ दो, या फिर अपनी बाई आंख फोड़ दो। थैंक यू।